करना है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा ने जो दो प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, हमीरपुर से श्री अनुराग ठाकुर जी और शिमला संसदीय क्षेत्र से जो उनके पूर्व में सांसद रहे श्री सुरेश कश्यप जी, उनको ही उम्मीदवार बनाया है। और अभी दो संसदीय क्षेत्र है मंडी और कांगड़ा, वहाँ पे उन्होंने भी अभी उम्मीदवार का चयन नहीं किया है। और आप सब जानते हैं कि कांग्रेस ने भी अपनी प्रक्रिया जो है आरंभ कर दी है। परसों ही जो है दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, उसमें कुछ नामों को आगे किया गया है जो कि सीईसी में जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इन चारों संसदीय क्षेत्र में जो है प्रत्याशी कांग्रेस के भी तय हो जाएंगे। जहाँ तक आपने बात की सुरेश कश्यप जी की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुरेश कश्यप जी जो अभी चुनावी उनका दौरा शुरू हो गया है, उसमें लोगों ने जब उनसे पूछा कि आप जो है इतने समय तक कहीं क्षेत्र में नहीं दिखे, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कल वो हमारे चौपाल के निरवा में जो है उन्होंने एक चुनावी सभा रखी थी, मीटिंग रखी थी, उसमें लोगों ने पत्रकार बंधु ने उनसे पूछा कि आपका ये चौपाल विधानसभा क्षेत्र का कौन सा दौरा है, तो उन्होंने कहा कि मेरा ये चौथा दौरा है। आप समझ सकते हैं, भली बात ही जान सकते हैं कि वो अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति कितने गंभीर है। और जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने लगभग 15,000 करोड़ के जो इस संसदीय क्षेत्र के लिए जो बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं, वो वही प्रोजेक्ट गिना रहे हैं जो UPA 2 में हुए हैं, जैसे IIM की बात कर रहे हैं, और जो हमारे इंडस्ट्रियल जो आपका बद्दी में जो मेडिसिनल पार्क बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं, वो सारे वो अपने नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें गिना रहे हैं जो कि UPA 2 के समय में जो है हुई है और कुछ उस प्रोग्रेस में थी। बाकी उनकी अपनी कोई निजी कोई भी जो है उपलब्धि नहीं है, ना ही वो हिमाचल प्रदेश के लिए आपदा के समय कोई ऐसा आर्थिक पैकेज दिला पाए, और ना ही वो कहीं जहाँ भी पूरे आप जानते हैं कि पूरे क्षेत्र जो है आपदा से ग्रसित हुए थे, वहाँ ना लोगों से मिले, ना लोगों को राहत दिलाने की कोई मदद की। और कल ही उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है हिमाचल प्रदेश को जो है 1700 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिली है, जो कि उनकी सारी बातें जो ये झूठी है। आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र की सरकार की तरफ से कोई भी राहत का पैकेज नहीं दिया गया, ना ही आपदा के समय में कोई इनके बड़े मंत्री केंद्र सरकार के, और कोई ना स्वयं प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आए। ये सारी चीज़ें जो है काल्पनिक है, और लोगों को उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में लोगों के बीच जाने में जो है कहीं भी नहीं दिखे, और लोगों की दुख सुख में जो है कहीं भी साथ नहीं हुए। और मैं आपको बड़े विश्वास से बताना चाहता हूँ कि ये चारों की चारों सीटें जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जहाँ तक शिमला संसदीय क्षेत्र की बात है, वहाँ हम काफ़ी भारी मतों से जो है विजय हासिल, हमने भी हाईकमान के समक्ष अपनी दावेदारी जताई है, और हमारी पुख्ता दावेदारी है, क्योंकि पिछले लगातार 25 वर्षों से हम पार्टी के संगठन में काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए अपना सारा जो जीवन समर्पित किया है। हमें उम्मीद है हाईकमान जो है इस पर गुण दोष के आधार पर जो है जल्द ही निर्णय लेगा, और युवा जो लोग हैं उनको भी मौका दिया जाएगा, नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। और ये इस बात मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर नए लोगों को मौका मिलेगा तो ये सीट जो है इस बार अवश्य ही जो है कांग्रेस की झोली में जाएगी। धन्यवाद।